पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा जाता है। फिर इस दिन के अगले ही दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को है और होली 29 मार्च को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार होली से 8 दिन पहले होलाष्टमक लगा जाता है, जो 22 मार्च से शुरू हो जाएगा। होलाष्टक के दिन शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन तिथि 28 मार्च रविवार। होलिका दहन शुभ मुहूर्त शाम 6:36 से रात 8:56 तक। होली 29 मार्च सोमवार। अब आपको बताते हैं कि कैसे किया जाता है होलिका दहन। इस दिन के कुछ दिन पहले से ही किसी एक जगह पर सूखे पेड़ रख दिया जाता है। इस पर लकड़ियां, घास, पुलाव, पुआल और गोबर के उपले रखे जाते हैं। फिर होलिका दहन वाले दिन इसका दहन किया जाता है। घर का कोई भी बड़ा सदस्य इसे अग्नि देता है। होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। अब आपको बताते हैं कैसे मनाई जाती है होली। होली रंगों का त्योहार है। ब्रज की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रज में होली का त्योहार पूरे महीने चलता है। वहीं बरसाना की लठमार होली भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की बात करें तो होली के 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। वहीं इस दिन महाराष्ट्र में लोग भी इस दिन की रंग पंचमी मनाते हैं और एक दूसरे को सूखे गुलाल लगाते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल धर्म गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए।